तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। अगर आपकी बजट है 10,000 रुपये और आप सोच रहे हैं कि 10,000 की रेंज पर अगर आपको खूब ज़्यादा से गेमिंग करनी है, अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं 10,000 की रेंज के हिसाब से, आप सोच रहे हैं कि 10,000 की रेंज में हमें एक गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, तो इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ दो स्मार्टफोन्स ही बताने वाला हूँ। वीडियो में 5 या 3 स्मार्टफोन बता के आपको बोरिंग नहीं करने वाला, मैं आपको वही स्मार्टफोन्स दो बताने वाला हूँ जिन पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इस प्राइस सेगमेंट की देखने को मिलेगी, सबसे बेस्ट देखने को मिलेगी, वही फ़ोन्स मैं आपके साथ बताने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन बताऊंगा, फिर सेकंड नंबर का स्मार्टफोन बताऊंगा। आपके लिए दो ही स्मार्टफोन्स अभी मार्केट पर अवेलेबल हैं जो कि आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराने वाले हैं, और कोई भी आपको फोन्स बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कराएंगे इस प्राइस अकाउंट पर। सिर्फ दो ही फोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि एक स्मार्टफोन तो आपको 11,000 की रेंज का देखने को मिल जाता है, बट ऑफर्स में आपको आराम से 10,000 की रेंज का देखने को मिलता है, बट एक फ़ोन आपको 10,000 की रेंज पर ही देखने को मिल जाता है। चूँकि फर्स्ट स्मार्टफोन आता है वो रियलमी ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिलता है, रियलमी का C25 स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन एक गेमिंग स्मार्टफोन माना जाता है एंड आपको जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलती है इस फोन पर, आपको मीडियाटेक का हीलियो का G85 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 10,000 की रेंज के हिसाब से एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। G85 काफ़ी बेस्ट आपको गेमिंग करके दिखा देगा इस प्राइस सेगमेंट पर, आपको गेमिंग करने में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। और जितने भी स्मार्टफोन्स आप देखते हैं तो आपको G80 के साथ में देखने को मिलते हैं, बट इनसे भी लो चिपसेट के साथ में और भी स्मार्टफोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा वीक देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल जाता है इस चिपसेट से, बट ये चिपसेट जो आपको देखने को मिलता है वो बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस वाले चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है इस प्राइस सेगमेंट का। तो इस स्मार्टफोन पर G85 प्रोसेसर देखने को मिलता है जिस पर आप आराम से गेमिंग कर पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में गेमिंग के साथ साथ और भी स्पेक्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, हालांकि उतना अच्छा देखने को नहीं मिलती, बट काफ़ी ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाती है। इस फोन की डिस्प्ले की बात करें जो आपको देखने को मिलती है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले, जो कि HD+ के रेजोल्यूशन के साथ में आती है, एंड मीडियाटेक का हेलियो G85 जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोसेसर देखने को मिलता है। 13+2+2 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि स्क्वायर टाइप की कुछ डिजाइन पर देखने को मिलता है। एंड गाइस, आपको गेमिंग करने के लिए, मैंने आपको बताया गेमिंग स्मार्टफोन है तो गेमिंग करने के लिए आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको पता ही होगा अगर आप गेमिंग करते हैं तो बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी गेमिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा आप दिन भर करते हैं, तो आपको बैटरी भी एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए पड़ता है। तो इस फोन पर बड़ी बैटरी भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ में 10,000 के अंदर आपको 18W का फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है ये स्मार्टफोन, क्योंकि इस फोन पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलती है। साथ में इस फोन पर जो आपको रैम रेंट देखने को मिल जाता है वो आपको 4GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का आपको बेस्ट मॉडल देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको 10,000 रुपये देखने को मिल जाती है। तो 10,000 के रेंज के हिसाब से काफ़ी बेस्ट आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है, काफ़ी बेस्ट बैटरी देखने को मिल जाती है, काफ़ी बेस्ट आपको इस फोन का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, तो एक गेमिंग स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस स्मार्टफोन को आप बिना सोचे समझे बाय कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। साथ में सेकंड नंबर के स्मार्टफोन की बात करें जो कि आपको देखने को मिलता है इन्फिनिक्स का हॉट 10S स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है एंड इस फोन पर परफॉर्मेंस तो अच्छी देखने को मिलती है और साथ में आपको कैमराज भी बेस्ट देखने को मिलते हैं, बैटरी भी आपको बेस्ट देखने को मिल जाती है। इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.82 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि गेमिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होगा, आपको काफ़ी बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो गेमिंग के लिए आपको काफ़ी बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आपको 90Hz का एक स्मूथ रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले तो बेस्ट देखने को मिलती है, साथ में आपको स्मूथ रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है एंड परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी द बेस्ट इस स्मार्टफोन की देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आपको 48MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप भी देखने को मिलता है, तो 48MP का कैमरा काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस आपके कर देगा इस प्राइस सेगमेंट पर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है परफॉर्मेंस के साथ साथ, बैटरी के साथ साथ, डिस्प्ले के साथ साथ एक बेस्ट कैमरा भी आपको इस स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाता है। 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, कोई भी फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, 4GB रैम देखने को मिलती है, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का आपको बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको 11,000 के आसपास देखने को मिल जाती है, बट 10,000 के रेंज पर आपको आराम से ये स्मार्टफोन कभी कभी देखने को मिल जाता है।
तो एक मैं फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की टॉप स्मार्टफोन की बात करूँगा तो यही इन्फिनिक्स का हॉट एन एस स्मार्टफोन सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। बाकी आप ब्रांड की तरफ सोचो थोड़ा सा आप जा सकते हैं तो रियलमी आप ब्रांड की तरफ ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट वो भी स्मार्टफोन आपको गेमिंग की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो गाइस जितने कुछ दो स्मार्टफोन आपको बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं अंडर 10,000 की रेंज की, आप अगर कन्फ्यूज हैं तो बिल्कुल आप बेसोचे समझे बिना सोचे समझे इन दोनों ही स्मार्टफोन्स पर कोई भी स्मार्टफोन गेमिंग के लिए परचेज कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करना, प्लीज चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करना, जो भी आपके क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, यूजर नेम 27 लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक्स।